इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसा कौन सा जानवर है जिसके तीन दिल होते हैं, और ये भी जानेंगे कि आखिर टायर कंपनियां टायर को काले रंग की ही क्यों बनाती हैं। ऐसे ही रोचक तथ्य एवं ज्ञान की बातें जानने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। दोस्तों आइए जानते हैं कि टायर काले रंग के ही क्यों होते हैं। हम सभी ने अपने जीवन में टायर तो देखे ही होंगे, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि टायर काले रंग के ही क्यों होते हैं? इनको पीला, लाल, सफेद या कोई और रंग के क्यों नहीं दिया जाता? और भारत में नहीं, ये विदेशों में भी टायर काले रंग के होते हैं। तो दोस्तों शायद यह सवाल आपको परेशान कर रहा होगा, तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि टायर काले रंग के ही क्यों होते हैं। यह बात तो हम सभी जानते हैं दोस्तों कि टायर रबड़ का होता है, लेकिन इस प्राकृतिक रबड़ का रंग स्लेटी होता है, और फिर टायर काला कैसे? तो दोस्तों दरअसल इसको बनाते समय इसका रंग बदला जाता है, यह स्लेटी से काला बन जाते हैं। इस प्रक्रिया को वल्फनाइजेशन कहा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि रबड़ प्राकृतिक रूप से बहुत ज्यादा मजबूत नहीं होता है और घिसता भी बहुत जल्दी है। टायर जो वाहनों में इस्तेमाल किया जाएगा, अगर उसमें साधारण रबड़ लगा दिया जाए तो वह बहुत जल्दी घिस जाएगा और ज्यादा दिन नहीं चलेगा, इसलिए इसमें कार्बन ब्लैक मिलाया जाता है जिससे यह बहुत अधिक मजबूत हो जाते हैं, और कार्बन ब्लैक इसे जल्दी घिसने नहीं देते हैं। दोस्तों कार्बन युक्त टायर सादे रबर से 10 गुना ज्यादा मजबूत होता है और 10 गुना ज्यादा चलता भी है। दोस्तों काले कार्बन की कई श्रेणियां होती है। रबर कितना सख्त या मुलायम होगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी श्रेणी का कार्बन मिलाया गया। इसके अलावा इसमें सल्फर भी मिलाया जाता है। दोस्तों कार्बन ब्लैक से टायर का रंग काला हो जाता है। इसके काले रंग के पीछे एक कारण यह भी है कि यह अल्ट्रावायलेट किरणों से रबर को बचाता है। दोस्तों बच्चों को साइकिल में रंग बिरंगे टायर इसलिए देखने को मिलते हैं क्योंकि वह रोड पर ज्यादा नहीं चलती और उनमें कार्बन ब्लैक नहीं मिलाया जाता। दोस्तों प्रकृति ने कई प्रकार के पेड़ पौधे पैदा किए हैं, जिसमें सामान्य पेड़ पौधे हमारे जीवन और पर्यावरण का एक अभिन्न अंग है, लेकिन कई प्रकार के पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपने अनोखेपन के लिए जाने जाते हैं, जिन्हें देखकर हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। ऐसे ही दोस्तों अमेरिका के वनों में मैट्रिक नाम के ऐसा पेड़ पाया जाता है जिसकी बनावट बच्चे की तरह होती है। अगर इस पेड़ को हिलाया या उखाड़ा जाए या फिर मारा जाए तो यह बच्चे की तरह रोने लगता है, इसलिए इसे रोने वाला वृक्ष भी कहते हैं। दोस्तों इसी के साथ कनाडा के पहाड़ी क्षेत्रों में एक ऐसा वृक्ष भी पाया जाता है जिसके तने में छेद करने से मीठा रस निकलता है, जो कि गन्ने के रस से भी अधिक मीठा होता है। दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसा भी जानवर है जिसके तीन दिल होते हैं? तो आइए जानते हैं। दोस्तों आपने ऑक्टोपस का कभी देखा ही होगा और इसकी 8 भुजाएं देखकर आप हैरान भी हो गए होंगे, लेकिन ऑक्टोपस शब्द का अर्थ ही 8 भुजाओं वाला होता है, और ये ऑक्टोपस एक दिलचस्प समुद्री जीव होता है जिसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। तो चलिए आज आपको ऑक्टोपस की कुछ दिलचस्प बातें बताते हैं। दोस्तों ऑक्टोपस एक बहुत ही बुद्धिमान जीव होता है। दुनिया भर के समुद्रों में पाए जाने वाले इस जीव की लगभग 300 प्रजातियां मौजूद है। दोस्तों ऑक्टोपस का रंग और आकार उसके पर्यावरण पर निर्भर करते हैं, यानी ठंडे पानी में रहने वाले ऑक्टोपस का आकार गर्म पानी में रहने वाले ऑक्टोपस की तुलना में ज्यादा बड़ा होता है। दोस्तों पूरी दुनिया में ऑक्टोपस ही एक ऐसा जीव है जिसके तीन दिल होते हैं। एक नवजात ऑक्टोपस का आकार पिस्सू जितना होता है, और दोस्तों ऑक्टोपस की 8 भुजाओं में से 6 उसकी भुजाएं होती है जबकि 2 पैर होते हैं। ऑक्टोपस का खून नीले रंग का होता है। दोस्तों ऑक्टोपस की कुछ प्रजाति इतनी जहरीली होती हैं कि उनके द्वारा एक बार काटने से ही किसी इंसान की मृत्यु हो सकती है। इसे देखकर भले ही ये लगता है कि इसकी उम्र बहुत ज्यादा होगी, लेकिन असल में ऑक्टोपस का जीवन काल बहुत ही कम होता है, और कई ऑक्टोपस तो सिर्फ 6 महीने तक ही जीवित रह पाते हैं। दोस्तों ऑक्टोपस की चमड़ी 1 घंटे में 170 से ज्यादा बार अपना रंग बदल सकती है। दोस्तों ऑक्टोपस की कुछ प्रजातियां एक बार में 50,000 से भी ज्यादा बच्चे को जन्म दे सकती हैं, लेकिन इनमें से बहुत ही कम बच्चे अपना जीवन पूरा कर पाते हैं और बाकी मर जाते हैं। कई मादा ऑक्टोपस नर का गला घोटकर मार देती है और उसे खा जाती है। दोस्तों अगर ऑक्टोपस को कभी बहुत ज्यादा भूख लग रही हो तो वह अपना किसी भुजा या टांग को भी खा सकता है। तो दोस्तों सबसे पुराने ऑक्टोपस का जीवाश्म 296 मिलियन वर्ष पुराना है। तो उम्मीद है कि दुनिया का ऐसा कौन सा जीव जिसके तीन दिल होते हैं ऑक्टोपस से जुड़ी जानकारी आपको पसंद आई होगी।